वाले क्या कम थे जो दुर्योधन के हुक्म मानना शुरू हो गए अब तुम? क्या हो गया तुम्हें शफा, की कैसी बातें कर रही हो? कल दुर्योधन के कहने पे ही तुम वहां गए थे ना? भाई मुझे समझ नहीं आती, वो अपने शौहर को क्यों नहीं बुलाती है? उर्फी मेरी बात सुनो, उसको साफ साफ मना कर दो कि तुम उसका कोई हुक्म नहीं मानोगे, वरना मैं। अच्छा बाबा अच्छा, पहले मुझे तुम्हारे गुस्से से ना बहुत डर लगता है, मुझे माफ कर दो। आज के बाद तुम जब भी कॉल करोगी ना, सारे काम छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊंगा, खुश? जानती हूं कि मेरी तुम्हारी और तुम्हारे घर वालों के सामने क्या अहमियत है। बाकियों के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, हाँ लेकिन मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सच्चे और पूरे दिल से। तुम्हारे बगैर ना नामुकम्मल हूं मैं, बिल्कुल अधूरा। बस तुम नाराज होती हो तो अच्छा नहीं लगता मुझे। इसलिए मान जाओ ना मेरी बात, कह रहा हूं आइंदा ऐसा नहीं करूं। शफक पुत्र आ गई अम्मा। अरे बिरयानी बनी है, थोड़ी सी ला दो ना। लेके आता।